गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हमें HTML लैंग्वेज से संबंधित कोडिंग पढ़नी है। आज हम HTML नहीं पढ़ेंगे, HTML में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चों के कमेंट आए व्हाट्सएप पर कि सर इस आउटपुट की कोडिंग क्या होगी, हमारे DCA PGDCA में सर ये आउटपुट मिला है, इसकी हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो उन्हीं के आंसर का ये वीडियो है। HTML सीखने के पर्पस से भी बहुत अच्छा है और उनके प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस के आंसर आपको पूर्णतः मिल जाएंगे। तो ऐसे ही 5-6 वीडियो प्रैक्टिकल्स के जो आउटपुट हैं, उन आउटपुट की कोडिंग कैसे की जाएगी HTML लैंग्वेज में, हम वह बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर सभी के पास होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपनी समस्या बता सकते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी सागर मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और खुरई तहसील में रहता है, उसको समस्या है तो ज्ञान इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर पर आकर ऑफलाइन क्लासेस में भी हमसे समझ सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज किस आउटपुट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बोर्ड पर लिखी है। हमें कुछ बच्चों ने ये स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि सर ये एक नेस्टेड लिस्ट बनी है, सर एक नेस्टेड लिस्ट मैसेज लिखा है, उसके अंदर कॉफी टी फिर ब्लैक टी ग्रीन टी और मिल्क ऐसा लिखा है, इसकी HTML में सर कोडिंग कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये आउटपुट प्राप्त करने के लिए कोडिंग। तो भैया ये तो सबको पता है कि ये कौन सी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट। क्या होती है नेस्टेड लिस्ट, सभी ने पढ़ा होगा, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। HTML में लिस्ट 3 प्रकार की पड़ी होंगी, एक आपकी ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरी कौन सी पड़ी होगी आपने, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरी कौन सी पड़ी होगी, डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 प्रकार की लिस्ट पढ़ते हैं हम HTML, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। कोर्सेस हम पूरा कर रहे हैं, अभी HTML का पूरा लेक्चर नहीं लिया है, लेकिन आउटपुट दे रहे हैं आपको, कोर्सेस इसी लेक्चर में ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑर्डर लिस्ट पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी लिस्ट कौन सी होती है, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट मतलब जो नंबर वाली 1, 2, 3, 4, ये कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट। तो इसमें 1, 2, 3 का यूज हुआ नहीं हुआ, मतलब ऑर्डर लिस्ट नहीं है ये। ठीक है, अनऑर्डर मतलब ये डॉट वाली, तो ये अनऑर्डर लिस्ट है, एक अनऑर्डर के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट है, तो एक अनऑर्डर के अंदर एक और अनऑर्डर, या एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट, और जरूरी नहीं है एक ही हो, 5-6 अनऑर्डर लिस्ट हो, तो ऐसी लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर ये तो क्लियर हो गया कि हमें कौन सी लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के कितने आइटम लेने हैं, 3, और अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, UL टैग। कौन सा टैग लगाते भैया, UL टैग, और इसमें आइटम जोड़ने के लिए आप कौन सा टैग लगाते, LI। ठीक है, ये हम बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में भी बता दिया जाएगा, बता ही दिया है, समझ रहे हैं आप सभी, तो बिल्कुल नहीं आना है, यहीं रहना है आप सभी को। ठीक है, तो UL अनऑर्डर लिस्ट, LI से उसके आइटम। तो सबसे पहले एक हेडिंग लिखना है, अनेस्टेड लिस्ट, ये हेडिंग डालना है, और उसके बाद पहली अनऑर्डर लिस्ट में कॉफी आइटम जोड़ना है, और पहली अनऑर्डर लिस्ट का दूसरा आइटम टी जोड़ना है, फिर उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है और उसमें लिखना है ब्लैक टी और ग्रीन टी, फिर वो अनऑर्डर लिस्ट बंद करना है ये वाली,
तो पहली वाली अनऑर्डर लिस्ट में अपन को मिलके जोड़ना है एक और आइटम, और पहली वाली अनऑर्डर लिस्ट को बंद करना है। तो कोडिंग कैसे करेंगे? तो शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? HTML से। किससे होती है? HTML से। फिर उसके बाद क्या लगता है? बॉडी। इसके बाद क्या लगता है? बॉडी, हेड और टाइटल लगता है। लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, हेड और टाइटल। अगर नहीं लगाओगे तो क्या आउटपुट नहीं आएगा? टाइटल बार पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है? तो हमने नहीं लगाया तो अनटाइटल लिखा आएगा। तो HTML बॉडी। अब हेडिंग डालना है कौन सी? अनेस्टेड लिस्ट। तो हेडिंग डालने के लिए कौन सा टैग? HN टैग। एन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 1 से 6 तक। तो कोई भी नंबर यूज कर दो, हमने 2 यूज कर दिया, तो H2। और क्या लिख देंगे? अनेस्टेड लिस्ट। और H2 को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? UL। फिर हम क्या करेंगे? UL टैग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कौन सी लिस्ट बन रही है? अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग लगा दिया? UL। उसका पहला आइटम कॉपी, तो पहला आइटम जोड़ने के लिए LI। फिर क्या लगा देंगे? कॉपी। पहला आइटम खत्म तो LI को बंद कर दो। दूसरा आइटम क्या है? T, तो LIT, ठीक है? अभी ये खत्म नहीं हुआ। इसके अंदर हमें क्या लगाना है? ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो एक और लिस्ट बनाना है, तो वो कौन सी लिस्ट? अनऑर्डर लिस्ट। तो क्या लग जाएगा ब्लैक टी और ग्रीन टी के पहले? अनऑर्डर लिस्ट का क्या? यूएल। अनऑर्डर का क्या लिखना है? यूएल लिख दो, ठीक है? और उसके अंदर कौन सी टी लगाना है आपको? ब्लैक टी, तो LI ब्लैक टी। LI कौन सा टी? ग्रीन टी, ठीक है? ब्लैक टी बंद और ग्रीन टी बंद। और ये वाली अनऑर्डर लिस्ट कौन सी हो जाएगी? बंद। और ये वाला लिस्ट का आइटम भी क्या कर देंगे? बंद। अब बचा मिल्क, तो LI मिल्क और LI बंद कर दो। फिर इसके बाद मेन वाली UL बंद कर दो। UL बंद कर दिया आपने, अब क्या करना है? UL बंद करने के बाद आप क्या कर दो? बॉडी बंद कर दो। और बॉडी बंद करने के बाद आप क्या बंद कर दो? HTML बंद कर दो। लिस्ट बन गई। अब इसको नोटपैड पे टाइप कर दो और फाइल का नाम लिख दो और .html लगा दो और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर रन कर लो, तो इस प्रकार का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखो, पहली लिस्ट है अनऑर्डर, उसके अंदर एक और लिस्ट बनी है अनऑर्डर, तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, तो वो कौन सी लिस्ट? नेस्टेड लिस्ट। और इस प्रकार की कोडिंग HTML बॉडी H2। H2 क्यों? ये हेडिंग डली है, और पहली लिस्ट UL के अंदर, और T के बाद एक और लिस्ट बनाना है। तो देखो, T के बाद एक और लिस्ट अनऑर्डर बनी, तो UL लगा दिया। तो हम आशा करते हैं आप सभी को ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से आया, आप इसे रन करें, और कोई समस्या जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जल्दी मिल रहे हैं अगले लेक्चर के साथ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे जिनके ये इस प्रोग्राम में समस्या है तो वो ये समस्या उनकी क्या हो जाए? खत्म हो जाए। और भैया याद रखना, नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है? थैंक यू।